नमस्कार भाई दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि चलो यार YouTube पर बैठे वीडियो बना दिया। खाली वीडियो नहीं बनाते भाई, अपना ग्राउंड पर भी काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है ना, जो अपनी संयुक्त पंजाब की मुहिम है उसके लिए काम करते हैं, ये भी आपको बता देते हैं। उस मुहिम का आपको असर दिखाएंगे भी। दिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत से गोदी मीडिया को तो आप भूल ही जाओ कि आपके लिए कुछ दिखाएगी। खास करके अगर सिर पर आपका पगड़ी है, डाडी मूछ है, तो आपको तो दिखाएगी नहीं गोदी मीडिया, ये तो आप भूल ही जाना। आज आपको ऐसा कुछ दिखाएंगे पंजाब का कि आप भी देख के हैरान रह जाओगे। हैरान, खुद भगवंत मान साहब का वीडियो देख के हैरान रह जाओगे आप। कैसे काम, भगवंत मान साहब भी अपनी बात भूल चुके हैं। और पंजाब में क्या क्या हो रहा है वो दिखाते हैं आपको। क्यों संयुक्त पंजाब की हम बात करते हैं वो उसका भी असर आपको दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा राजा राम सिंह जी का, जिन्होंने इतना बड़ा वो किया है, उसके लिए धन्यवाद बाबा राजा राम सिंह जी का। अब आप ध्यान से सुनना और आपको समझ में आएगा। जो साथी नया जुड़ता है ऑफिशियल दीपक भोजी यूट्यूब चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। बात हक और सच की रखने की जिम्मेवारी हमारी है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। आपको ना एक छोटा सा फोटो दिखाते हैं, हो सकता है बहुत लोगों को तकलीफ होगी। ये क्या है, जब लोग कहेंगे तो क्रिकेट टीम का फोटो है, क्रिकेट टीम का फोटो है ये, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया की अंडर 19 क्रिकेट टीम का फोटो है भाई, ऑस्ट्रेलिया की अंडर 19 क्रिकेट टीम का फोटो। और इसके अंदर है ना दो सिख युवा हरजस सिंह था हरकिरत सिंह ने अपनी काबिलियत से अपनी जगह बनाई है, अपनी काबिलियत से अपनी जगह बनाई है। गोदी मीडिया वैसे तो क्रिकेट क्रिकेट के लिए न्यूज़ बहुत दिखाता रहता है, इनको दिखाना चाहिए था, ये न्यूज़ दिखानी चाहिए थी, लेकिन नहीं दिखाएंगे ये बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे, आप इस चीज़ को भूल जाइए। और सबसे पहले पंजाब के अंदर क्या खासियत है, पंजाब के अंदर ना आप मतलब के पंजाबियों के खिलाफ कुछ भी बोलो और सुरक्षा ले लो, यही चला हुआ है ना पंजाब में, पंजाबियों के खिलाफ कुछ भी बोलो और सुरक्षा ले लो, यही सब तो चल रहा है। अभी आप देख लीजिए, आपको सुधीर सूरी याद है जिसको गोली लगी थी, वो सुधीर सूरी तो याद होगा ना, उसका भाई है ब्रजमोहन, वो बोल रहा है कि मुझे खालिस्तानियों से धमकी मिल रही है, धमकी भरे फोन आ रहे हैं, नो बॉडी गार्ड मिले हुए हैं उसको, उसको चाहिए जेड प्लस सिक्योरिटी ताकि वो पंजाब को और ज़्यादा बदनाम कर सके, बोला मेरे को खालिस्तानी धमकी दे रहे हैं। अब एक चीज़ बताओ, अमृतपाल सिंह को जेल में डाल दिया गया, अब बचा कौन था, फिर कौन बचा था। ये पंजाब को जो बदनाम करने की कोशिश की जा रही है ना, इस चीज़ों के तरफ ना आप ध्यान दीजिए। अगर इसका मैंने अभी तक वीडियो भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा इसका, खाली एक आया हुआ था कि इसको तरफ से धमकी मिल रही है, कुछ हो रहा है, तो हमारे को इतना पता है कि ये लोग सिवाय झूठ के और कुछ बोलते नहीं है। ठीक है, मारे गए शिवसेना आगू सुधीर सूरी दे भरा नू वी जानू मारन दियां धमकियां मिलियां ने, अब पंजाब के उसमें चल रहा है, अडाउन दी धमकी दित्ती गई है। सुधीर सूरी दे भरा ब्रिजमोहन सूरी ने मीडिया नू जानकारी देंदिया दस्या है कि उन्हां नू अननोन नंबर्स तो फोन आउंदे ने ते धमकियां दित्तियां जांदियां ने। उन्हां ए वी दस्या कि रेलवे लाइनां दे कोल दो कमाल नहीं है सी जिन्हां दे कोल हथियार सी, ब्रिजमोहन दा कहना है कि उसने पिस्तौल नाल गोलियां चला दित्तियां जिस तों बाद ओह धन्यवाद। क्यों कर रहे हैं धन्यवाद, वो आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे नहीं आपको, दिखाएंगे। जिन्होंने उनके साथ धक्का किया है उनको सजा दिलाने के लिए समूह देशवासी इकट्ठा हो। आज हम कौमी इंसाफ मोर्चा से जहां बंदी सिंहों की रिहाई के लिए सरकार के खिलाफ मोर्चा, बहुत लोगों का सवाल था कि पंजाब वाले नहीं आए, जथा रवाना कर रहे हैं जंतर मंतर की ओर, वहां जाकर सारी स्थिति का जो है जायजा लेगा और हमको बताएगा। अगर मैं उन बच्चियों को कहना चाहता हूं जो खटारना है देश की, जिन्होंने तगमे लिए देश के लिए देश का नाम रोशन किया, उनके साथ ही सरकार इतना अन्याय कर रही है तो फिर बात कैसे चलेगी। हम जहाँ से जैसा रवाना कर रहे हैं और उन बच्चियों से उनको दिलासा दिलाना चाहता हूँ कि तुम अकेला अपने आप को मत समझो, हम खालसा फौज गुरु की लाडली फौज आपके साथ है, घबराना मत,
हमको सारी स्थिति जान के देना। अगर हमारे कोई अपने बातचीत करनी, हमारा नंबर नोट कर लें, 98152-64-54-54-64 जी हमारा नंबर है। और अगर लोड पई सरकार ने न्याय जल्दी नहीं दिया तो गुरु की लाडली फौज जंतर मंत्र में पहुंचेगी अपने लाम लश्कर के साथ, फिर सरकार को जो हम गोडे परने कर देंगे, ये न्याय लेकर ही रहेंगे। सभी देशवासी आओ रलकर अपनी उन बत्तियों का साथ दें और उस जो कोच है ब्रिजभूषण उसको अपने जेल की हवा खिलाएं, उनको सख्त से सख्त सजा दिलाएं। सुप्रीम कोर्ट के तरफ से उन पर FIR हो चुकी है, सरकार जल्द न्याय बत्तियों को दे, हम उनके साथ हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत लोगों का सवाल था भाई नियंग सिंह नहीं आ रहे, या पंजाब की तरफ से अभी तक उन खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं बोला गया। इससे पहले भी बाबा राधा राम सिंह जी ने वीडियो जारी किया था, अगर आपको नहीं पता हो तो, इससे पहले भी आपको बताया गया था। अब खुद गुरु की फौज आ रही है, या तो न्याय कर ले सरकार, नहीं तो सबको पता फिर बाद में क्या होगा। सबको पता है ये गुरु की फौज है, ये कोई पुलिस का महकमा नहीं जो आगे अड़ जाएगा। और पुलिस वालों से भी एक बात बता देता हूँ, खास विशेष तौर पर दिल्ली पुलिस को रोकना मत, ये गुरु की फौज है, रोकने की कोशिश भी मत करना। नहीं तो आपने किसान आंदोलन में देख चुके हो इसका नतीजा, देख चुके ना नतीजा फिर भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। बोला था ना कि बात करेंगे, वीडियो कम बना पाएंगे दोस्तों, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर भी काम करना पड़ता, ग्राउंड पे भी जाना पड़ता, सभी जगह देखनी पड़ती है। लेकिन जो भी वीडियो बनाते आप ज्यादा से ज्यादा इसलिए शेयर कीजिए। ये है संयुक्त पंजाब की ताकत, ये है संयुक्त पंजाब की ताकत जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं। ये है हमारा संयुक्त पंजाब, ये है। अगर किसी का कोई डाउट होना, शक हो तो अपना निकाल देना। गुरु की फौज साथ थी, साथ और साथ रहेगी। देश में कहीं पर भी समस्या आएगी ना तो गुरु की फौज साथ होगी। लेकिन ये चीज है ना, कुछ एक है ना जो बोलते ना IT सेल के, वो कीटाणु गोबर खाने वाले, मूत पीने वाले, उनको हजम नहीं होती, उनको हजम नहीं होती ये चीजें। वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा इसलिए कर देना ताकि सभी लोगों तक ये मैसेज पहुंच जाए कि गुरु की फौज आ चुकी है। अब या तो सरकार संज्ञान ले ले, नहीं तो फिर सरकार के खुद के समझ में नहीं आएगा हुआ क्या है, समझ में नहीं आएगा। पक्के मोर्चे और लगा दिए ना तो फिर बिल्कुल ही कहानी पलट हो जाएगी, ये भी बता देते हैं। और लगने वाले हैं, कोई कोई दिन जा रहा है, लगने वाले हैं पक्के मोर्चे, ये भी बता देते हैं आपको। तो उससे पहले ही क्यों ना सरकार ये सब कुछ कर ले। संयुक्त पंजाब एक था, एक है और एक रहेगा। ये जो लोग है ना बीच में, कोई SYL, कोई चंडीगढ़, कोई कुछ उठा रहा है, दूर रहना, नहीं तकलीफ बहुत होगी तुम्हारे को। हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। ये राजनीति करने वाले हमारे को नहीं तोड़ सकते, ना इनके अंदर इतनी ताकत है कि ये हमारे को तोड़ देंगे, इनके अंदर इतनी ताकत भी नहीं है। ये है संयुक्त पंजाब की ताकत। बोल रहे थे ना विशेष जाति के, सिर्फ हरियाणा के, क्योंकि इनको जाट कहने में शर्म आती है कि जाट बैठे हैं। और जाट कहाँ से आते हैं फिर पता है ना, अगर हर एक जाट अपना पिछोकड़ देखेगा तो आप भी सिख हो, जो बात बोल रहा था वो बात यहाँ पे साबित हो गई है। गुरु की फौज खुद आ रही है सुरक्षा के लिए, आप समझ जाना, ये बता दिया आपको। बच जाओगे, फायदे में रहोगे, अगर जल्दी फैसला कर दोगे, इन खिलाड़ियों को न्याय दे दोगे। और हाँ, मुअल्लिम जो मोर्चा लग गया हुआ है वहां पर भी पहुंचो भाई, ज्यादा से ज्यादा पहुंचो। ये देख लीजिए आप, पक्का मोर्चा लगा के बैठे लेकिन फिर भी खिलाड़ियों खड़े हुए के लिए खड़े हुए, ये है गुरु की फौज। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी है, बात हक और सच की रखने की जिम्मेवारी हमारी है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।